सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है रियल में, यानी अब एग्ज़ाम क्या 15 मार्च के बाद होगा। क्योंकि यहां पर डाउट ये आ रहा दोस्तों कि किसी किसी स्टूडेंट के 13 को अभी स्टार्ट हुई है टीचिंग, यानी 13 को स्टार्ट होने का मतलब है कि 30 दिन तो आप सभी की टीचिंग चलती ही है, यानी 13 से आप 30 दिन जोड़ लीजिए, यानी उसके बीच में तो होना नहीं एग्ज़ाम। और कुछ क्या आ रहा है, कुछ न्यूज़ ये आ रही हैं कि 5 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम जो आपके स्टार्ट हैं या जून स्टूडेंट के स्टार्ट हैं, ठीक है, उनके जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएंगे उससे पहले तो यूपी डीएलएड, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो, एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों कर रहा है पीएनपी, तो यहाँ पर देखिए, वैसे भी इतना सत्र लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इतना लेट सत्र स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद तो लेट तो होना ही है दोस्तों, क्योंकि वो क्राइटेरिया पूरा करना होता है कि हाँ इतने दिन पढ़ाई होगी, इतने दिन टीचिंग होगी, उसके बाद जाके एग्ज़ाम होगा, तो वो क्राइटेरिया तो इनको पूरा ही करना है, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं हम ये कि देखिए, यहाँ पर आपके जो हाई स्कूल इंटर वाले हैं उनके 7-8 को हाई स्कूल इंटर के ख़त्म हो रहे हैं पेपर, तो उसके बाद हमारा जाता है 9 और 10, ठीक है, 6-7 को ख़त्म हो रहे हैं और हमारा 9-10 को जाता है हमारा होली, ठीक है, हमारा होली आ जाता है, यानी ये इस दिन तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्या 11, 12 और 13 को एग्ज़ाम हो सकता है, तो जी दोस्तों, यहाँ पर चांसेस जो हैं हमारे वो 40% है और 60% चांस ये हैं कि यानी 11, 12 और 13 को भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पर कि जिन स्टूडेंट की 13 को स्टार्ट होती या 13 के बाद भी स्टार्ट हुई होगी कुछ स्टूडेंट की, तो अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हम 13 के बजाय 13 से अगर हम 30 दिन जोड़ते हैं, ठीक है, तो 30 दिन ना मान के हम अगर 25 दिन भी जोड़ते हैं तब भी 25 दिन हमारी टीचिंग होना ही है, यानी 13 तक आप सभी के पेपर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अब कब तक हो सकते हैं ये कंफर्म करना है हमको, ठीक है। कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि सर पेपर अब हमारे अप्रैल में होंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिल जाती है दोस्तों, तब तक हम इसके बारे में आप सभी को नहीं बताएंगे कि अप्रैल में पेपर होंगे, ठीक है। चूँकि मैं आप सभी को बता दूँ, अप्रैल में पेपर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर आपका पेपर होगा तो वो 20 मार्च से पहले पहले हो जाएगा, यानी 13 से और 20 के बीच में कोई भी डेट आ सकती है, एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है, यानी कि आपके जो पेपर है वो 20-21 तक हर हाल में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जो डेट आनी है वो कितने दिन पहले हमको पता चलता है, वो नहीं, यानी वो 10 दिन पहले आपको स्कीम जारी हो जाएगी कि किस दिन आप सभी का पेपर है, ठीक है, 10 दिन पहले आपकी स्कीम जारी हो जाएगी। तो मान के चलिए कि होली के पहले पहले अगर स्कीम जारी हो गई तब आपके पेपर 20 तक कन्फर्म है हो जाएंगे, ठीक है, होली के पहले पहले, यानी 10 को होली है, होली के पहले पहले अगर मान लीजिए 6, 7, 8, 9 में, 6, 7, 8, 9 में अगर स्कीम जारी हो गई तब तो मान के चलिए आप सभी के पेपर कन्फर्म है कि 20 तारीख तक हो जाएंगे, ठीक है। उसमें तो आपको पता ही चल जाएगा कि स्कीम जैसे जारी होगी तुरंत आप सभी को पता भी चल जाएगा कि हाँ इस दिन पेपर है। और रही बात कि एग्ज़ाम कब होंगे, ये पेपर में कब निकलेगा, तो ये आपका 1 से लेकर के और 5 मार्च के बीच ये आपका पेपर में आ जाएगा, अगर आपका एग्ज़ाम 15 से 20 तारीख के बीच में होना है, यानी कि आपको कन्फर्म डेट कब पता चलेगी वो आपको 1 मार्च से और 5 मार्च के बीच में पता चल जाएगा, ठीक है, उससे 1-2 दिन पहले भी पता चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या मार्च में होगा एग्ज़ाम, तो एक चीज़ तो है कि हाँ 15 मार्च के बाद एग्ज़ाम होगा, ये आसार दिखाई दे रहे हैं, 90% आपके जो चांस हैं वो 15 मार्च के बाद जा रहा है। काफ़ी सारे डेटें हैं जिस पर वीडियोस काफ़ी सारे मिल रहे हैं कि हाँ 8-9, यानी 7-8-9 को पेपर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 7-8-9 का पेपर नहीं हो सकता है, 8 को हमारा पड़ जाएगा, शायद संडे पड़ जाएगा और 9-10 हमारी होली ही चलेंगी, ठीक है, तो इस दिन तो पेपर हो नहीं सकता है, क्योंकि पेपर करवाने के लिए हमें 6 दिन का टाइम कम से कम
लेना चाहिए पीएनपी को, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ही नहीं और कुछ बच्चे ऐसे जिनका थर्ड सेमेस्टर भी, यानी थर्ड सेमेस्टर भी पूरा का पूरा एग्ज़ाम अभी पड़ा है, थर्ड सेमेस्टर के लिए भी और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए कम से कम 6 दिन का टाइम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों के लिए 6 दिन का टाइम, यानी 3 दिन थर्ड सेमेस्टर के लिए, 3 दिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो यानी कि जिन बच्चों की टीचिंग स्टार्ट हुई है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट, यानी जिन जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो आपकी भी शायद टीचिंग अभी भी स्टार्ट हुई हो, अभी अभी यानी 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन अभी ही स्टार्ट हुई हो, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए किस किस की टीचिंग अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यानी टीचिंग सभी को पता है 30 दिन की होती है, यानी फिर उससे पहले तो एग्ज़ाम नहीं होना है। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं, आप एक इससे इससे इसको लेकर के आप एक तैयारी अच्छी कर सकते हैं कि हाँ पेपर हमारा इस तारीख के बाद हो सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।